लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता इलाके में कुछ पुलिसकर्मियों ने एक वकील की पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति को 3 पुलिसकर्मी जबरन दबोचे हुए हैं, साथ ही उसे पीट भी रहे हैं। व्यक्ति के साथ हाथापाई करने के बाद पुलिस उसे थाने ले गई और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस वालों का कहना है कि वो व्यक्ति, जो पेशे से एक वकील है, उसने सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया है, साथ ही उसके द्वारा पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी गई है। जानकारी के अनुसार बिंदुखत्ता के घोड़ानाला में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के समझौते को लेकर बिंदुखत्ता पुलिस चौकी प्रभारी मनोज जोशी और अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे। इसी दौरान नजदीक में रहने वाले वकील SD जोशी वीडियो बनाने लगे, जो पुलिस वालों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद पुलिस और वकील के बीच कुछ देर तक बहस हुई और फिर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे थाने ले जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वकीलों की भारी संख्या लालकुआ कोतवाली पहुंच गई, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने कहा कि वकील के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ चालान कर दिया है।